Good evening, dear friends, dear parents, and everyone listening to us. Today we are here back again with the parenting tip of the week. And on this panel, we have a very special guest, Mrs. Reema Ganguly. Thank you, Harsha ma'am. Who is the principal of Amarjyoti Saraswati International School with us today. And the topic we've taken is disadvantages of mobile with children. Harsha ma'am, before I start with the program, I want to say a few things, share with you. I am here today. I feel very honored to be here amongst you. But जो आज मैं रीमा गांगुली हूँ वो मेरे स्कूल अमरज्योति सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल के लिए मैं हूँ. मैम की, अमरज्योति मैम की जो गाइडेंस, उनके जो दुआ से मैं आज इधर हूँ, उसके लिए आई फील रियली ऑनर्ड और आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट आज मैं यहाँ तक आके कुछ डिस्कस कर सकती हूँ. इवन वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हर एंड वी ऑल्सो फील द सेम मैम. सो टुडेज टॉपिक मैम, मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज किया है स्पेशली बिकॉज आज की जनरेशन में मैंने देखा है कि बच्चे और मोबाइल दोनों एक हो गए हैं. बच्चे मोबाइल के बगैर रह नहीं सकते. पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है कि मोबाइल देना कि नहीं देना. बिकॉज यस, आई डू एग्री विद यू दैट नाउअडेज आवर लाइफ रियली हैज बीन, इट हैज बीन अफेक्टेड बाय दिस टेक्नोलॉजीज एंड द मोस्ट इंक्रीजिंग डिमांड अमंग द किड्स इज दिस गैजेट द मोबाइल. But parents, they are still like they are doubtful about these issues, whether to give the mobile to the kids or not. And sometimes they are not even aware कि इसका कोई disadvantage भी है. वही कि आज वो जो advantage mobile का है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, technology के हिसाब से हमको चलता है तो we should be forward, but जो disadvantage है वो हमारे बच्चे का बहुत खराब कर रहा है. जो लाइक दे आर टेकिंग अवे मेनी थिंग्स फ्रॉम आर यूथ, फ्रॉम आर किड्स. इसके लिए वी थिंक दैट देर आर, वी शुड एनालाइज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस. देन ऑल्सो वी हैव दिस नेट कनेक्शन और स्मार्टफोन्स, वट वी कैन से, विच इज रियली बारिंग द क्रिएटिवनेस, द थिंकिंग पावर ऑफ अवर किड्स. जो पहले जमाने में हम कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, कुछ करते थे तो हम खुद सोच के करते थे. आजकल नेट के एक क्लिक में से हमको सब मिल जाता है. तो वी डोंट हैव दैट टाइम ऑल्सो, लाइक वी डोंट हैव दैट अर्ज टू थिंक एंड डू समथिंग. हम किसी और के चीज़ डाउनलोड करके अपना बना देते हैं. तो जो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडिया जो इज़ द रूट ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे भी हमारे इंडियंस जाते हैं वो हर जगह शाइन होते हैं, तो उनका जो एजुकेशन क्वालिटी इज गोइंग डाउन. और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ मैम, अपार्ट फ्रॉम दिस, नेचर है जो बच्चे का, उस पर क्या इफेक्ट होता है मोबाइल का. पूजा, या आई वुड फर्स्ट से दैट वी हैव बिकम टूल्स ऑफ अवर टूल्स, रादर स्लेव्स ऑफ अवर टूल्स. स्पीकिंग फ्रॉम प्री स्कूलर्स, स्मॉल चिल्ड्रन, व्हेन दे आर यूजिंग द मोबाइल, आई हैव सीन इवन इन हॉस्पिटल्स, थिएटर्स, अ चाइल्ड इज गिवन अ मोबाइल, अ स्मॉल चाइल्ड इज देयर विद द मोबाइल, आई डोंट नो, 3 year old maybe, and the mother does not know what actually he is doing with the mobile. He is totally using the screen and he is in the mobile. Then we come to the teenagers. I have really found a behavior disorder, aggressiveness in the teenagers. They have they don't have patience for small things. They want to call. ऊपर से किसी को बुलाना है तो दे विल नॉट क्लाइम अ स्टेयर, दे डायरेक्टली मेक अ कॉल एंड डिपेंडेंट ऑन द मोबाइल. या एंड वन मोर थिंग इज दैट द इरिटेशन व्हेन दे आर ओवर देयर फोन, दे आर टॉकिंग टू देयर फ्रेंड और आइदर दे आर इन टू अ गेम, यू कॉल देम, दे आर नॉट रेडी टू आंसर यू, दे गेट इरिटेटेड. दीज आर द बिहेवियरल डिसऑर्डर्स विच वी फाइंड इन दिस जनरेशन. एंड व्हेन वी कम टू द स्मॉलर किड्स, विच I mean, we don't know only what they are doing with the mobile. Either they are playing games, what kind of games, what things they are downloading. They are addicted to the mobile. They are so much addicted. The moment they get up in the morning, the first thing is they will search for the mobile. I mean, that is a phone obsession, I would obsession, say. Obsession, yeah. And you know, in teenagers, what I have observed, because I have one teenager in my house and one toddler in my house. So both the generations I am catering. So what happens at times, you know, अगर मोबाइल में मैसेज चेक करना, घड़ी घड़ी मोबाइल में कॉल आया कि नहीं, अगर किसी डिस्ट्रैक्टिंग द स्टडीज ऑफ द चाइल्ड. और दूसरा क्या है मैम, सोशल मीडिया, व्हेन द टीनएजर्स आर यूजिंग सोशल मीडिया, एनी पिक्चर इफ दैट दे हैव पोस्टेड, कितनी लाइक्स आई, दैट इज अगर लाइक कम आई तो डिप्रेशन एंड दैट सेल्फी सिकनेस.
You cross a road, you are passing through. I see lots of people all the time, they're taking photographs. Taking photographs is nothing good, but is the limit. I mean, all the people want to take a selfie, fatafat upload on the FB, and they don't know what they are causing, inviting danger by putting all the things on the FB. When they don't find their mobile in front of them, they become restless. Where is my mobile? Where is my mobile? That anxiety, actually what happens, you know, Urvi, from the very early childhood, the parents have given this thing very freely. Ki yahan ye lo ma'am, or when we talk to the parent and we ask ki ma'am, 3 saal ke bacche ko mobile dene ki kya zarurat hai? They feel proud. Yes. That yes. My child knows to operate a mobile, but they don't know what the child is looking into it. And usko sab aata hai. Usko aane ki zarurat hai hi nahi. Ye aane ki zarurat hai hi nahi. Chote bacche ko pata nahi chalta hai ki ye mera, unko kuch dekhte, unka abhi tak maturity nahi aata. So whatever they say, they take it the other way. Unko chote time se hi hum kuch aur jo usko nahi karna chahiye, aisa hum usme dalte. Matlab mobile mein agar games bhi khelte hain continuously, uska effect dimag mein kaisa hota hai pata hai? उनका दिमाग भी ऐसे रोबोटिक ही चलने लगता है. वो ह्यूमन टच जो होता है, जो रिएक्शंस हम एक दूसरे के साथ बात करके देते हैं या एक्सप्रेशन देते हैं, वो भी उनको देना नहीं आता. 3 इयर्स के बच्चे को पेरेंट्स बाहर भी नहीं जाने देते थे कि बाहर नहीं खेलना है, यू सिट इन द हाउस एंड प्ले विथ योर मोबाइल. और जब 1-to-1 भी हम पेरेंट्स से बात करते हैं उर्वी, तो वो बड़ी शान से कहते हैं 1 घंटा उसने मोबाइल में कलर सीखा, शेप सीखा, मतलब और उसको सब फीचर्स आते हैं, उसको सब पता चलता है. बट द थिंग इज दैट ही डज नॉट नो रियलिटी में जो चीज है उसको छू के देखना, वो उनको नहीं. सब कुछ वो वर्चुअली करते हैं. तो उनको उनके इफेक्ट मन में ऐसा होता है कि everything is virtual. जो होता है वो इसमें ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं मिलता. व्हेन वी यूज्ड टू स्मॉल, लाइक हम क्या करते थे कि हम नंबर्स याद रखते. नाउअडेज डायरेक्ट सो द मेमोरी लॉस इज देयर. एंड व्हाट हैपेंस हॉबी में भी, मतलब बच्चों की जो हॉबीज है जैसे डांसिंग है या स्केटिंग है या कोई भी ऐसी हॉबी जो उनकी डेवलप होती है, अगर 3-4-5 साल के बच्चे को आप अगर कोई क्लास में डालना चाहते हो और पेरेंट्स उनको ले जाते हैं, तो दे डोंट वॉन्ट टू गो फॉर दैट हॉबी क्लासेस और एनी सॉर्ट ऑफ थिंग. दे वॉन्ट द मोबाइल. वो 1 घंटा वो मोबाइल में खेलना पसंद करता है. तो कहीं ना कहीं ये बच्चे की, जैसे आपने क्रिएटिविटी बताई, आपने बताया कि जैसे बच्चे अकेले पढ़ जाते हैं, कम्युनिकेशन जो है, आप 4 बच्चों को बैठा दो. हम लोग, मैं तो काफी ऑब्जर्व करती हूँ बिकॉज मोबाइल, मैं बहुत एंटी मोबाइल हूँ इसलिए, कि अगर कोई पार्टी में 4-5-6 बच्चे बैठे हुए हैं, सबके पास अपना मोबाइल है, अगर उनके पास से मोबाइल ले लो तो वायलेंट हो जाते हैं. एंड व्हेन दे हैव देयर मोबाइल एंड दे आर आस्क्ड टू सिट एंड प्ले, बट व्हाट दे आर प्लेइंग, दे आर डिस्कसिंग द वेरियस काइंड ऑफ गेम्स दे हैव डाउनलोडेड, द थिंग्स दे नो इन द मोबाइल, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसिव मोबाइल दे हैव. दैट इज ऑल्सो थिंग दैट कंसर्न इट. मेरे पास ये मोबाइल है, मेरे पास ये मोबाइल है, ऑल द टाइम दैट कंपैरिजन कीप्स ऑन गोइंग. और 10 मिनट अगर मोबाइल ले लो ना, तो क्या होता है पूजा, जब फ्रेंड सर्कल के साथ मैं होती हूँ और मैं बोलती हूँ किसी को मोबाइल नहीं लेना है, 10-15 मिनट मैं बोलती हूँ कि आप लोग खेलो, अब 15 मिनट हो गया, मोबाइल दे दो ना मैम, मतलब दे डोंट लाइक विदाउट दैट मोबाइल दे डोंट, दे कैन नॉट सर्वाइव. यस, व्हेन वी आस्क पेरेंट्स के दे प्ले चेस लूडो, तो पेरेंट्स विल से यस दे प्ले, कितना खुश होते हैं. फिर वो बोलते मोबाइल, वही कि बच्चे को जो बाहर जाके, हम लोग जब छोटे थे बाहर जाके खेलते, जो धूल मिट्टी हमसे लगते थे, इट वॉज हेल्दी हम लोग बोलते. पर अभी तो बच्चों को वो सब ना, बच्चे को जो ग्रुप एक्टिविटीज या टीम स्पिरिट नहीं है, बच्चों को कुछ वो हारना नहीं जानते हैं. फिर उनको वो हम सिखाते ही नहीं है कि हार जीत खेल का पार्ट है, उसमें से बच्चे डिसिप्लिन सीखते हैं, पर वो बच्चे नहीं जानते. पर उनको जो हम बाहर जाके धूप में मिट्टी में पानी में खेलते थे, उसका जो हमारे हेल्थ के ऊपर, जो हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होते थे, अभी के बच्चे को वो सब नहीं है. उल्टा उनको क्या होता है, ऑन द कंट्ररी दैट दे आर फेसिंग द रेज, द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द मोबाइल. And that by the heat, that is affecting them. Yeah, and I think the radiation affects the brain, man. Brain, yeah. And the recent thing going all over media is the blue whale game. The dangerous situation of the game is a child commits a suicide. I would like to say, Arshan ma'am, that till that point, the parents are not aware that what the child is doing. That is what I'm telling. They are giving the mobile. Mobile, ek atom bomb, I would say, is an atom bomb. If you're giving the mobile, you should think in your mind, ki ye main kya apne bachche ko de rahi hu. See, sometimes when parents tell me, ki ma'am, safety, abhi itna crime badh gaya hai, toh ek mobile ho bachche ke paas, toh apne ko achha rahega na, ek phone karke hum usko pooch sakte. लेकिन उसके लिए स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए सिंपल फोन इज इनफ. मतलब देयर हैज टू बी एन, जैसे लाइसेंस, अगर आपको स्कूटर या फोर व्हील चलाना है तो एक लाइसेंस की जरूरत होती है. एट एज यू हैव टू क्रॉस, आई थिंक इसके लिए भी देयर शुड बी एन एज बार. एज, या एंड वन मोर थिंग दैट इज अलार्मिंग इज द टीनएजर्स. आई सी देम ऑन द वे
talking, I mean, talking is a thing. I have seen them even texting. Texting, yes. I mean, that is so dangerous. And what happens, you know, Pooja, about this blue whale game, I would like to say, कि ब्लू व्हेल गेम का अगर आप थोड़ा एनालाइज करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बच्चा एक गेम से कितना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो जो भी बोले वो करने के तैयार हो जाता है, वो उनका खुद का थिंकिंग पावर जारी जाता है। तो यही एक अलार्म है पेरेंट्स के लिए कि उनको सोचना चाहिए कि जो भी वर्चुअली आप बच्चों को दिखाते हो उसका कितना इफेक्ट होता है। यहां आई विल रेज अ पॉइंट, द सेम थिंग आई वुड रिपीट मोर लाइक ब्लंटली दैट व्हाट आर द पेरेंट्स डूइंग टिल द चाइल्ड रीचेस दिस स्टेज। वेरी ट्रू। एंड हु गिव्स मोबाइल? वी ओनली। उनका भी टेंशन रहता है, उनका भी कुछ ऑफिस की टेंशन, घर के टेंशन होता है, तो दे वांट सम रिलैक्सेशन। तो इसके लिए बच्चे को मोबाइल दे देना इज नॉट द सॉल्यूशन, बिकॉज यू आर इंडल्जिंग द चाइल्ड इनटू समथिंग डेंजरस। यस, और आप जॉब पे रहते हो, आपने बोला मैम मैं नहीं हूँ ना इसलिए मैंने मोबाइल दिया, मतलब योर सब्स्टिट्यूट इज नॉट अ मोबाइल, एंड इन फैक्ट इट वुड बी मोर डेंजरस, बिकॉज ये एक ओपन दुनिया है जहाँ पे बच्चा कुछ भी देख सकता है, कुछ कुछ और बच्चे आज विदाउट योर नॉलेज। एब्सोल्युटली। और आजकल के बच्चे भी एज से पहले मैच्योर होने लगे हैं। Yeah, हर एक चीज़, because everything is so freely access to them. Absolutely. Parents should analyze के what they are doing, why I am giving the mobile. वही सबसे पहले वही question, अगर mobile देना है, मैं तो इतना सोच के भी घबरा जाती हूँ कि parents ऐसा बोलते हैं, मैम 3 साल का बच्चा है ना, उसका आज फोर्थ बर्थडे है ना, तो मैंने उसको लैपटॉप ला के दिया या मैंने उसको टैबलेट ला के दिया, आईफोन ला के दिया, आई मीन उसको क्या जरूरत है इस चीज का? जब वो पेरेंट्स के पास से आता है तो बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं ये मेरे मम्मी पापा ने देखा देखिए सही है, तो उसको वो गलत चीज उसमें नहीं लगता है। तो वी आर ओनली एनकरेजिंग द चाइल्ड टू गो इन द रॉन्ग पाथ। व्हेन वी टेल पेरेंट्स के फैमिली टाइम दो, तो बोले कि हम तो एक घंटा साथ में ही बैठते हैं, बट व्हाट दे आर डूइंग ड्यूरिंग दैट वन आवर पर्सनल मोबाइल। सी, मोबाइल के एडवांटेजेस हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ नहीं है, लेकिन उसके इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं। वो पहले पेरेंट्स, हम एजुकेटेड पेरेंट्स हैं और हमको जो जनरेशन अपब्रिंग करनी है वो भी एक अच्छी और बैलेंस्ड इमोशनल जनरेशन लानी है। आजकल के बच्चे इमोशनली भी कितना ब्रेकडाउन, दे आर ड्रेनड आउट विद थिंग्स, यू नो दैट मेंटल, आई सेड द बिहेवियरल डिसऑर्डर इज द मेन कंसर्न फॉर द यंगस्टर्स। And Pooja, what happens, you know, even in the younger children, when I tell parent कि अगर आप दो दिन उसको मोबाइल नहीं दोगे तो क्या होगा, मैम रो रो के अपनी जान ले लेगा या मेरी जान ले। I had a recent crime patrol show where a child committed suicide because the mobile was taken out in the mobile. So I mean that is so ridiculous and that is so you know painful that he's listening for simple mobile. Mobile मतलब वही मैं बोल रही, इसीलिए मैंने मोबाइल का नाम एटम बम रखा है। अब दो, उसके एडवांटेजेस भी हैं, मैं ऐसे ना नहीं बोल रही हूँ, पर एडवांटेजेस के लिए प्रॉपर एज इज रिक्वायर्ड। यस, नॉट फ्रॉम द वेरी यंग एंड एज टुगेदर अ रिस्ट्रिक्शन, या दैट व्हाई वी आर गिविंग द चाइल्ड अ मोबाइल, उसकी जरूरत है अभी? जरूरत है तो वो चीज दो, जरूरत नहीं है और जो जरूरत है वो उसको बता के दो कि ये जरूरत है इसलिए आई एम गिविंग यू द मोबाइल, इसमें ये डिसएडवांटेज है, यू डोंट गो। उसको नॉलेज तो वो चीज की, उसको बिना नॉलेज के आप कुछ दोगे तो वो सोचेंगे मम्मी पापा देते तो इट इज सही है। हाँ, वो सही है। हमें पेरेंट्स ही बोलते हैं कि मैम वो खाना नहीं खा रहा था इसीलिए मोबाइल दिया। तो मतलब जब हम छोटे थे उर्वी, हमारे पेरेंट्स ने मोबाइल के बिना ही, नो वी वर नॉट सो मच एडुकेटेड, इवन वी एट आवर टाइम वॉइस हमारा कंफर्ट जोन है उर्वी कि हम बहुत इजीली, हमारे पास एक चीज है तो हमने दे दी और हमने ही एडिक्ट किया है बच्चे को। तू खाना खा ले मैं तुझको ये वीडियो दिखाऊंगा, तू ये कर ले मैं तेरे को ये वीडियो दिखाऊंगा, मेकिंग थिंग्स इजी एंड इवन कंफर्ट जोन। नर्सरी राइम्स, मैं नहीं बोल रही हूँ कि पेरेंट्स कुछ और दिखाते होंगे, बट नर्सरी राइम्स ही दिखाते हैं, पर नर्सरी राइम्स तो आप देख के भी गा के बच्चों को सुना सकते हो, तो द बच्चे विल बी मोर क्लोज टू यू। हम एक माँ का टच बोलते हैं, एक पेरेंट्स का एक साथ जो होता bond है, वो बॉन्डिंग सब मोबाइल के थ्रू तो नहीं होता, नहीं, वो पेरेंट्स के साथ। और जरूरी नहीं है कि हर एक चीज आपको सिखाने के लिए यू हैव टू हैव दैट टूल मोबाइल, देन स्लोली स्लोली वही चीज ज्यादा बढ़ जाती है। टीनेज में नर्सरी राइम के लिए आप यूज कर रहे हो, धीरे धीरे उसको आदत पड़ गई, कल नर्सरी राइम साइड में रहेगी और दूसरी चीज उसको, फिर हम ही उसको बता रहे हैं कि मोबाइल, पेरेंट्स से मोबाइल तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। यू विल लर्न नर्सरी राइम्स थ्रू मोबाइल, मम्मी के पास से नहीं। तो मम्मी जो बोलते हैं वो सही नहीं है, मोबाइल जो बोलते हैं वो सही है, क्योंकि वो हम ही बच्चों को डाल रहे हैं। फिर एक चीज है जो ये स्मार्ट बोर्ड, मैं बोल रही हूँ स्मार्ट बोर्ड में तो सब एजुकेशन थिंग एवरीथिंग इज देयर, तो बट कैन इट रिप्लेस अ टीचर? नो, इट कैनॉट रिप्लेस अ टीचर। सो लाइक दिस अ मोबाइल ऑल्सो कैनॉट रिप्लेस अ पेरेंट्स बॉन्डिंग, अ मदर्स लव, द टीचिंग अ मदर गिव,
वो सब दे. हाँ 101 एडवाइजेस विल कम इन द मोबाइल. आप एक बार क्लिक करके लिखो कि व्हाट आई वांट टू डू, कि व्हाट एवर इट इज द एडवाइजेस विल कम. बट डू यू थिंक इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ मदर्स एड्स? वेरी वो तो नहीं है. Yes, before just we are about to wrap up, I would certain things which I would like to tell the parents, especially uploading your child's photograph on Facebook. See, everyone is happy. We want to know, keep on telling that we are here there, but okay, fine. But alone your child's photograph, and always as the man said that tagging that I'm here, I'm out, and the child is alone. You know, there are many misuses happening. We keep on reading about so many things happening. Other thing is that I would say that in a techno-savvy world, we are never against anything. We don't want to become slaves of certain things. Why don't we also put a habit of restricting ourselves? Ek din nahi use kara mobile, and we can even put that habit. Very true. So that we can be with the family. Yes. School mein koi program chal raha hai, you know, the moment the child, we should be clapping hands and be focused on the busy. Parents are busy capturing in the mobile. No doubt, capturing the mobile is okay. But that moment, celebrate with your child. At least put your hands together for this. As a teacher, I always find that these certain things are always missed. And in a class, I always make a point for 2-3 minutes daily giving this message that be away from mobiles, be away from mobile. And the children, really, they listen. It's not like that. Parents do come and tell. Okay, ma'am, aapne ye bola tha, toh bacha ghar pe aake bolta. And he really follows. After telling that, but the effort what we want to put, but we want to make everything comfort. Maan nahi raha hai, de diya mobile. Kha nahi raha hai, de diya mobile. Very true. Even few like recently abhi jo hua tha aise ki BSNL aur mobile ka sab band tha 3 days Gujarat mein pura. So then also the children were like they were very much hyper ki kab khulega and they were just searching ki BSNL chalu nahi to Vodafone mein chal raha hai. तुम्हारे पास ये है जियो का कार्ड चल रहा है तो बोलो तो हम चलो. मतलब लाइक विदाउट मोबाइल जी नहीं सकते मोबाइल के बिना. वेरी ट्रू. विद दिस वी रैप अप आवर टुडेस वीडियो लीविंग अ मैसेज टू यू दैट मोबाइल के एडवांटेजेस बहुत हैं पर उससे ज्यादा उसके डरावने डिसएडवांटेजेस हैं. ये हमारे बच्चों का बचपन, उसकी थिंकिंग स्किल्स, उसकी हॉबी एक्टिविटीज सब कुछ छीन रहा है. तो अगली बार जब मोबाइल बच्चों को दे तो थोड़ा एनालाइज, जैसे नीमा मैम ने बताया, थोड़ा एनालाइज कीजिए कि मोबाइल क्यों दे रहे हैं. अगर मोबाइल के बिना चलता है तो प्लीज चला लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. थैंक यू.